हर महीने एक से बढ़कर एक ईयरबड्स लॉन्च हो रहे हैं दोस्तों, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और अब तो सस्ते में हाई एंड फीचर्स भी मिलने लगे हैं। इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे, टॉप के 5 ईयरबड्स बताऊंगा जो 1500 के अंदर में आ जाएंगे। अगर पहली बार वायरलेस ईयरबड्स लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेंगे। चलिए तो फिर देर किस बात की। सबसे पहले है बोट एयरडोप्स 141। ट्रेंडी कलर्स में आने वाले ये ईयरबड्स काफ़ी सेल हो रहे हैं। इसकी वजह है इसके केस में मिलने वाली मैसिव बैटरी। थैंकफुली बैटरी केस में USB-C पोर्ट भी दे रहे हैं। अब 2022 में तो ये मिलना भी चाहिए। अच्छा है ना, एक ही वायर से फ़ोन और ईयरबड्स दोनों चार्ज हो जाते हैं। हालांकि केस का साइज़ थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें बड़ी 600 mAh की बैटरी भी तो मिल रही है। वहीं ब्लूटूथ 5 की मदद से ऑडियो डिले नहीं आएगा, यानी वीडियोस देखते टाइम ऑडियो सिंक में आएगा और फिर कनेक्शन भी क्विक रहता है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो 8mm के ड्राइवर्स लगे हैं जो बेस तो प्रोड्यूस करते ही हैं, साथ में क्लैरिटी भी ठीक ठाक मिलेगी। जी हाँ, ज़्यादा पंची बेस नहीं है तो डायलॉग्स क्लियर रहेंगे। बाकी बैटरी भी डिसेंट है, 4 से 5 घंटे का बैकअप ईजिली मिल जाएगा और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया हुआ है। इतना सब के बावजूद इसमें माइक की क्वालिटी एवरेज है, नथिंग इम्प्रेसिव। रोबोटिक साउंड सुनाई देगा, मतलब इंडोर कॉलिंग के लिए तो काम चल जाएगा, लेकिन आउटडोर कॉलिंग के लिए इसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ओवरऑल म्यूजिक सुनने के लिए सबसे सस्ते ईयरबड्स हैं और मैसिव बैटरी केस के लिए भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, डेली चार्जिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन है बोट ऑडियो एयरबेस प्रो पॉड्स एक्स। ये इस ब्रांड के लेटेस्ट ईयरबड्स हैं और प्रीवियस मॉडल से थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। हालांकि फीचर्स लगभग सेम ही हैं, तो प्रीवियस मॉडल भी ले सकते हैं, थोड़े पैसे और बच जाएंगे। लेकिन लेटेस्ट मॉडल में मोनोपॉड फीचर मिल जाएगा, जिसकी मदद से एक टाइम पे एक ईयरबड को यूज़ कर सकते हैं। इससे कॉलिंग के टाइम एक चार्ज होता रहता है और दूसरे से बात कर सकते हैं। वहीं माइक की क्वालिटी भी बेटर दे रहे हैं, चलो कॉलिंग के लिए तो परफेक्ट रहेंगे। इसके अलावा वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है, जो मेरे तो किसी काम का नहीं है पर बताना ज़रूरी है। इसका वाइट कलर मुझे सबसे सही लगा और बैटरी केस भी पॉकेट में ईजिली आ जाएगा। जी हाँ, इसका केस काफ़ी कॉम्पैक्ट है, वहीं टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी एक एडेड एडवांटेज रहता है। बाकी बात करें बैटरी बैकअप की तो 4 घंटे का रन टाइम मिल जाएगा एंड ऑफकोर्स फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग ग्रेट TWS ईयरबड्स हैं, खास करके थम्पी बेस और माइक क्वालिटी के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब अगला ईयरबड्स रियलमी की तरफ से है, ये है डीजो गो पॉड्स डी। इसका प्राइस थोड़ा ऊपर हो जाता है 1500 से, पर डील प्राइस में कम भी हो जाएगा और हाई डिमांड में भी रहता है, तो सोचा इंक्लूड कर दूं। 10mm के ड्राइवर्स थम्पी बेस प्रोड्यूस करते हैं और वोकल्स वाइब्रेंट रहते हैं। मज़े की बात यह है कि इसको मोबाइल ऐप से फाइन ट्यून कर सकते हैं। बाकी सभी कॉमन फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लूटूथ 5 एंड लो लेटेंसी मोड। लेकिन USB-C क्यों नहीं दिया भाई, ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसमें। माइक्रो USB से ही काम चलाना पड़ेगा। इस टाइप के डिज़ाइन में टच कंट्रोल रिस्पॉन्सिव रहता है, क्योंकि टच करने के लिए वाइडर एरिया मिल जाता है। इसमें नॉइस कैंसिलेशन बोला हुआ है, पर जाहिर है इस प्राइस में नॉइस कैंसिलेशन सरासर झूठ है, किसी काम का नहीं। हालांकि कॉलिंग के लिए माइक ठीक ठाक दिया है, विच इज गुड। तो ओवरऑल अच्छी क्वालिटी वाले ईयरबड्स देख रहे हैं, जिसको अपने हिसाब से ट्यून कर सकें तो इसको कंसिडर कर लेना। अब जो ईयरबड्स हैं, इनको स्पेशली बनाया है गेमर्स के लिए। ये है पीट्रॉन बेसबर्ड्स जेड, एंड डोंट वरी, म्यूजिक लवर्स का भी ध्यान रखा गया है। फर्स्ट लुक में ये ईयरबड्स फ्यूचरिस्टिक लगते हैं और बैटरी केस का डिज़ाइन भी यूनिक है। दोनों ईयरबड्स और केस में LED लाइट्स मिल जाएगी, जो देखने में कूल लगती है। तो क्या खास बात है इसमें, वो है अल्ट्रा लो लेटेंसी, जो गेम्स खेलने के लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है। वैसे लो लेटेंसी की ज़रूरत हमें मूवीज़ देखते टाइम भी होती है। 60 मिलीसेकंड का ऑडियो डिले बहुत कम रहेगा, जो इस प्राइस में मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। रही बात साउंड क्वालिटी की, तो उसमें भी ज़बरदस्त काम किया है। इसको आप लंबे टाइम तक सुन सकते हैं, क्योंकि हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज का परफेक्ट बैलेंस है। बेस कानों में दर्द नहीं करेगा और क्लैरिटी भी गजब की मिलेगी। आफ्टरऑल 13mm के ड्राइवर्स किसी और में मिलेंगे भी नहीं। बैटरी की बात करें तो आराम से 4-5 घंटे निकाल देंगे। केस की मदद से 4 बार और चार्ज हो जाएगा एंड यस, USB-C पोर्ट भी दिया हुआ है। अब और क्या चाहिए दोस्तों। इसी से मिलता जुलता एक दूसरा मॉडल है वीकूल मूनवॉक M4। एग्जैक्टली सिमिलर फीचर्स हैं, चाहे फिर डिज़ाइन हो या साउंड क्वालिटी। इनफैक्ट अल्ट्रा लो लेटेंसी मोड भी मिल जाएगा, लेकिन लेटेस्ट मॉडल है, पीट्रॉन वाले ईयरबड्स के बाद आया था, तो इस बात का ध्यान रखना। बैटरी बैकअप भी पीट्रॉन से थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाती है गाइज, आप इसे आंख बंद करके बाय कर सकते हैं, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा।
ओवरऑल बढ़िया पैकेज है जिसमें कॉलिंग के लिए माइक्रोफोन्स भी बेटर दे रहे हैं। अच्छा, सभी ईयरबड्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो चेक कर लेना। हर समय एक ना एक लाइटनिंग डील पर रहता है। ध्यान रहे, सभी ईयरबड्स में टच कंट्रोल्स और वाटरप्रूफ रेटिंग मिलने वाली है। मुझे तो दोनों किसी काम के नहीं लगे, क्योंकि एक तो टच रिस्पॉन्सिव नहीं रहता, उल्टा परेशान ही करता है, और वाटरप्रूफ रेटिंग की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर कॉलिंग इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा बजट इंक्रीज कर लो और मेरे पुराने वीडियोस देख लो भाई, एंड में लिंक आ जाएगा। मैंने फर्स्ट टाइम इतने सस्ते TWS पे वीडियो बनाया है क्योंकि आपकी डिमांड काफ़ी आ रही थी। आई होप आपने अपने लिए परफेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया होगा। जाने से पहले वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही बेहतरीन गैजेट्स देखते रहो। बाय बाय।